हेलो स्टूडेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ए फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच इज़ हैविंग साइज ग्रेटर देन 10^-6 मीटर दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, उससे बड़ा साइज होगा। और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या होती है, जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का साइज 10^-6 मीटर से कम होता है। अगर मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की, देन देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स आर एक्सप्लेन्ड। तीन तरह के मोशन किसी भी पार्टिकल के बताए गए हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। कौन कौन से मोशन हैं? फर्स्ट मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन, विच यू स्टडीड अप टू चैप्टर नंबर 6। सेकेंड इज रोटेशनल मोशन एंड थर्ड इज वाइब्रेटरी मोशन और वी कैन से ऑसिलेटरी मोशन। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट वी विल स्टडी अबाउट दैट, हम उसके बारे में जानेंगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। लेकिन रोटेशनल मोशन हर चीज़ में है, अर्थ की स्पिनिंग में रोटेशनल मोशन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग में रोटेशनल मोशन है। कोई पर्सन जब भागता है, रनिंग करता है, तो उसकी जो आर्म्स हैं वो हाफ रोटेशन करती हैं। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कोई भी बाइसिकल जब खड़ी रहती है, जब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं हो और उसको आप छोड़ दो, तो वो बैलेंस नहीं रह सकती, वो गिर जाएगी। बट इफ़ अ बाइसिकल इज मूविंग, अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है, देन इट विल बी बैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड रहेगी, बाइक सीधी चलती रहेगी। तो इन सब चीज़ों की स्टडी हम करेंगे इस रोटेशनल मोशन में, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। अब रोटेशनल मोशन में आगे जाने से पहले हम समझेंगे कि हमें इसमें किन चीज़ों की स्टडी करनी है, कौन से पार्टिकल्स की हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम ये तो समझ लें कि चीज़ें हैं कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कितनी कैटेगरीज़ में किया गया है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दैट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के टाइप कितने हैं? फर्स्ट इज पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मीन्स दिस काइंड ऑफ पार्टिकल। फिजिक्स में पॉइंट साइज पार्टिकल की बात जब की जाती है, तो ये कहा जाता है एक ऐसा साइज जिसकी कोई डायमेंशन ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई साइज ही नहीं बना जिसका डायमेंशन ना हो। अगर इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसके निप के ऊपर, निप का जो साइज है वो यहाँ गिवन क्यों होता है, 2.5 mm। तो डायमेंशन तो है ना, लेकिन फिजिक्स ये कहती है पॉइंट मीन्स वो चीज़ जिसका कोई साइज ना हो, कोई डायमेंशन ना हो। साइज तो हो, डायमेंशन ना हो। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई? लेकिन पॉइंट साइज एक्चुअली क्या है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मीन्स इतना छोटा ऑब्जेक्ट कि वो सिंगल पार्टिकल से मिलके बना हो, सिंगल पार्टिकल से या सिंगल एटम से मिलना बना हो। क्या समझ में आ गई बात? तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सिंगल पार्टिकल। चलिए सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नाउ व्हाट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? पॉइंट साइज के बारे में समझ में आ गया कि वो सिंगल पार्टिकल से बना है। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करूँ, तो ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये काफ़ी बड़ा है। कोई ये बॉडी है, और इस चैप्टर का नाम भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही है। इसका मतलब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में ही बात करेंगे इस चैप्टर में, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या क्लियर होगी बात? तो चलिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल्स कॉल्ड अ बॉडी।
इसको बॉडी भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, अच्छा क्लियर हो गई बात। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, अब बॉडीज हमारे पास कितने टाइप्स की हैं, कौन कौन से टाइप्स की बॉडीज होती हैं, तो देखिए टाइप्स ऑफ बॉडीज, आपने कहा कि ऑब्जेक्ट होगा दो टाइप का, एक पॉइंट साइज का और एक होगी बॉडी। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये बॉडी कितने टाइप की है, तो दो टाइप की बॉडीज होती हैं। फर्स्ट होती है फ्लेक्सिबल बॉडी एंड सेकेंड इज रिजिड बॉडी। फ्लेक्सिबल बॉडी एंड रिजिड बॉडी, दोनों के बीच में फर्क क्या है, दोनों के बीच का एग्जाम्पल क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है हमारे पास, ये कोई बॉडी है। अब इस बॉडी पे जब मैं इसको इस हाथ से मैंने यहाँ पे लगाया, इस हाथ से मैंने यहाँ लगाया और इस पे इस तरफ फोर्स लगाई, तो जब मैंने फोर्स लगाई तो देखा कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, लेकिन इसके जितने भी पार्टिकल्स थे, कुछ पार्टिकल्स यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, ये बॉडी पूरी पार्टिकल्स से मिलके ही तो बनी है। हर जगह जो पार्टिकल्स थे, क्या सभी पार्टिकल्स ने सेम डिस्प्लेसमेंट किया है? वापस से देखिए, ये बॉडी यहाँ थी, मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या सभी पार्टिकल्स ने सेम डिस्प्लेस किया है? नहीं, नहीं किया सभी पार्टिकल्स ने सेम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब आपने इसको मूव करना शुरू किया था तब आपने क्या किया, इस बॉडी को ये पूरी एक्सपेंडेड थी, लेकिन जब आपने इस पर फोर्स लगाई तो ये इसका साइज बदल गया। जब साइज बदल गया तो उसकी वजह से हुआ क्या कि ये पार्टिकल्स ज़्यादा आगे चले गए, ये पार्टिकल्स ने कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ये पार्टिकल्स ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है। तो जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से उस बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बॉडी। इसको दूसरे वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा वर्ड क्या है इसका, कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर चेंज हो जाए, रिलेटिव डिस्टेंस अगर चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बॉडी। एक फुटबॉल है, उसमें हवा थोड़ी कम है, लेकिन जब आप उसको दबाएं तो वो दब जाएगी थोड़ी सी। इसका मतलब जो फुटबॉल के पार्टिकल्स थे उनका जो डिस्टेंस है उनके बीच में, वो डिस्टेंस कम हो गया, वो डिस्टेंस बदल गया। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बॉडी। क्या समझ में आ गई बात? तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फटाफट। देखिए फ्लेक्सिबल बॉडी क्या है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड applied and displacement by all the particles is not same। एक तो ये चीज, दूसरी ये एक डेफिनेशन है इसकी, मैं हैशटैग लगा के दिख देता हूं। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स गेट्स चेंज्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बॉडी। मतलब कि फ्लेक्सिबल बॉडी कैसी बॉडी है, उस पर आपने फोर्स लगाई, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बदल गया। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर देसी भाषा में समझा जाए तो क्या है कि अगर आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद अगर इसकी शेप बदल गई तो
तो इसको हम बोलेंगे क्या, फ्लेक्सिबल बॉडी। और शेप बदलने के बारे में कैसे बोलेंगे हम, इट इज डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल मतलब इसकी कोई फॉर्म है, आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से ये डिफॉर्म हो गई, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडी, दैट इज फ्लेक्सिबल बॉडी। क्या बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट इज रिजिड बॉडी। अगली बॉडी की बात करें तो अगली बॉडी है रिजिड बॉडी, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेकेंड रिजिड बॉडी। देखिए रिजिड बॉडी क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये, इस पे जब आपने फोर्स लगाई इस बॉडी पे, तो फोर्स लगाने की वजह से जब ये डिस्प्लेस हुई तो इसके सभी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट एक समान है, ठीक है। जितना डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्टिकल ने किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्टिकल ने किया, दोनों के डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं है। जब कोई बॉडी जिसमें डिस्प्लेसमेंट एक समान होता है फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की एक और डेफिनेशन है, वो क्या है कि जब आप फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ना बदले, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। बेसिकली ये वो बॉडीज हैं जो डिफॉर्म नहीं होती, जिनकी शेप बदलती नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकली दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी शेप नहीं बदलती। कुछ चीज़ों की शेप हैमरिंग से बदल जाती है, हथौड़ा मारने से। कुछ चीज़ों की शेप टेम्परेचर बढ़ाने से, मीन्स हीट देने से बदल जाती है। बट हर चीज़ की शेप बदलती है। कुछ एक चीज़ें, कुछ एक मटेरियल्स ऐसे होंगे जिनकी शेप बदलने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है या बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, लेकिन शेप हर चीज़ की बदलती है। क्या समझ में आ गई। तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई रिजिड बॉडी होती नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली रिजिड बॉडी है। और रिजिड बॉडी हम क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हमने रिजिड बॉडी नहीं कंसीडर की तो हमारी रोटेशनल मोशन की स्टडी पॉसिबल नहीं होगी बिना रिजिड बॉडी के। इसीलिए आपके जो चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी में, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, या रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल मोशन, ऐसे कुछ नाम है। क्या समझ में आ रही है बात। तो रिजिड बॉडी की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो वो डेफिनेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय ऑल द पार्टिकल्स विल बी सेम ऑन द application of force। चलिए on the application of force, second, ये first definition हो गई। second क्या है, distance between particles do not चेंजेस। एक और, इट इज नॉन डिफॉर्मेबल, डिफॉर्मेबल नहीं होते हैं। क्या समझ में आ गई बात। चलिए तो हमने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ बॉडीज पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप्स हैं समझते हैं हम। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट, आपने लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने एक मोशन पढ़ा था, दैट वाज ट्रांसलेटरी मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में दो तरह के मोशन होते हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन और एक ट्रांसलेटरी मोशन। जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। और जब एक कंप्लीट बॉडी, मींस एक बॉडी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो जब मूव करती है, दैट इज नोन एज
ट्रांसलेटरी मोशन, उसको हम बिग पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन जब होता है, ये कोई बॉडी है, ये कुछ इसके पार्टिकल्स हैं, ये बॉडी जब मूव करती है, मूव करके ये बॉडी यहाँ आ जाती है, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं हम अगर देखें तो उन सभी पार्टिकल्स ने सेम डिस्प्लेसमेंट किया है सेम टाइम इंटरवल में। ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, सभी पार्टिकल्स ने सेम डिस्प्लेसमेंट किया है सेम टाइम इंटरवल में। इसका मतलब अगर सेम डिस्प्लेसमेंट किया है सेम टाइम इंटरवल में, तो इन पार्टिकल्स के द्वारा की गई लीनियर वेलोसिटी या इन सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई? क्लियर तो हो गई लेकिन लाइट चली गई, वेट। तो एक चीज़ जो समझ में आई ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में वो ये है दैट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम, ठीक है। सो देखिए, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी सेम एज ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल। ये तो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। अब बात करते हैं हम रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन, देखिए रोटेशनल मोशन कैसा होगा वो समझते हैं। देखिए, ये कोई भी सेंटर है और ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई भी एक बॉडी है। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं तो देखिए, ये है वो बॉडी, ठीक है। अच्छा, इस बॉडी को फॉर एग्जांपल मैं रोटेट करवा रहा हूँ। अब मैं रोटेट इसको कैसे भी करवा सकता हूँ, मैं इसको ऐसे रोटेट करवा सकता हूँ, मैं इसको ऐसे रोटेट करवा सकता हूँ, मैं इसको ऐसे रोटेट करवा सकता हूँ। रोटेशनल मोशन जब भी होता है तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा 3D ऑब्जेक्ट ही हम कंसिडर करेंगे। रोटेशनल मोशन किसी भी बॉडी में हो सकता है, ठीक है। तो इस बॉडी को फॉर एग्जांपल आप रोटेट करवा रहे हैं, तो ये फॉर एग्जांपल इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। मैंने इसको जहाँ से पकड़ा हुआ है दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से ये रोटेट कर रही है, मतलब ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, बाकी सारी जो बॉडी नोटबुक है वो मूव करेगी, वो रोटेट करेगी। अब आपने क्या किया, इस यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए। पार्टिकल्स तो पूरी नोटबुक के ही हैं, लेकिन हम कुछ पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं सिर्फ स्टडी के लिए। तो एक पार्टिकल मैंने ये कंसीडर कर लिया, एक पार्टिकल मैंने ये कंसीडर कर लिया, एक पार्टिकल मैंने ये कंसीडर कर लिया, एक ये कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, जब पार्टिकल्स को कंसीडर किया गया, जब ये रोटेट कर रहे हैं, जब ये पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करते वक्त हुआ ये कि जो पार्टिकल्स जिनका डिस्टेंस कम था, आप देखिए सेंटर ये है, मतलब ये जो डिस्क है, डिस्क तो देखिए है ना, सीडी, वो सीडी ऐसे घूम रही है, घुमा रहे हैं उस सीडी को हम। जब हम उसको घुमा रहे हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस सीडी पे है, तो इस सीडी पे पार्टिकल्स, ये सीडी बनी किसकी है, पार्टिकल्स की ही बनी है, लेकिन हम इस पे कुछ पार्टिकल्स कंसिडर कर लेते हैं सिर्फ स्टडी के लिए। तो मैंने कहा एक पार्टिकल ये हो गया,
जिसका डिस्टेंस कुछ है, दूसरा पार्टिकल ये हो गया, तीसरा पार्टिकल ये हो गया, समझ में आ गई बात। फिर आपने इसको घुमाया, जब आपने इसको घुमाया तो ये पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, ये पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, ये पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आ गया। तो पहले जो एंगल था, पहले ये कहाँ थे, पहले ये यहाँ पे थे सभी पार्टिकल्स इस लाइन में, अब ये पार्टिकल्स कहाँ आ गए, इस लाइन में। तो इनका जो एंगल है वो क्या है, थीटा। एक खास चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि सभी पार्टिकल्स ने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से ही तो डिनोट करते हैं, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है वो सभी पार्टिकल्स का सेम है, लेकिन सभी पार्टिकल्स ने जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया है, ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ गया है, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो इसका जो डिस्टेंस है वो इस पार्टिकल से ज़्यादा है, इस लास्ट वाले पार्टिकल का डिस्टेंस इन दोनों से ज़्यादा है। तो एक जो गौर करने वाली चीज़ है रोटेशनल मोशन में वो ये है कि रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी, सॉरी सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, तो सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहती है, लेकिन सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। क्या समझ में आ गई, क्या क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। चलिए देखिए, तो रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई, इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी सेम, बट लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर होगी। चलिए, तो रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन जो हमें स्टार्टिंग में ही लिखानी चाहिए थी, लेकिन उसको लिखाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, वो टाइम इस वजह से लगा क्योंकि पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो रोटेशनल मोशन की कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो वो डेफिनेशन क्या है, ये है। क्या क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट, आगे आगे है पॉइंट, दैट इज एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सेस ऑफ रोटेशन होती क्या है, क्या है ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। देखिए एक ये एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक नोटबुक है और मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ। इसको रोटेट कैसे भी करवाया जा सकता है, जैसे आप चाहें, मैं इसको ऐसे रोटेट करवा सकता हूँ, मैं इसको ऐसे रोटेट करवा सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट करवा सकता हूँ, मर्जी चाहें जैसे भी रोटेट मैं करवा सकता हूँ, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। चलिए अब क्या किया आपने कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे रोटेट करवाने वाला हूँ, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया और मैं इसको ऐसे घुमाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये जो नोटबुक है, ये नोटबुक बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है, इमेजिन कीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है। जब ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है, लेकिन समझने के लिए हम कुछ चार पांच पार्टिकल्स को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको घुमा कैसे रहा हूँ, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ये इसकी लाइन हो गई जहाँ से मैं इसको घुमाने वाला हूँ, दिस इज़ द लाइन। अब जो चार पांच पार्टिकल्स कंसीडर किए, मैंने एक पार्टिकल यहाँ कंसीडर कर लिया ए, एक पार्टिकल यहाँ कंसीडर कर लिया बी, एक पार्टिकल यहाँ कंसीडर कर लिया सी, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ कंसीडर कर लिया डी। अब देखिए
जब ये बॉडी घूम रही है तो ये सभी पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ठीक है, रोटेट, ये सारे के सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं इस तरह से। आपको ध्यान इस नोटबुक पे नहीं देना, आपको ध्यान देना है उस उन पार्टिकल्स पे। जब वो पार्टिकल्स घूम रहे हैं तो देखिए जो ए है वो ए इस लाइन के सबसे ज़्यादा पास है, तो घूमते घूमते जो ए है वो कैसे घूम रहा होगा, इस तरह से। इतना सा साइज होगा इसका, इतना सा रेडियस होगा जिसमें ये घूम रहा होगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर कहाँ होगा, वो सेंटर इस लाइन पे कहीं लाए करेगा, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। चलिए अब बात करते हैं बी की। बी का डिस्टेंस ए से कुछ ज़्यादा है, तो जब बी घूम रहा है तो बी कुछ ज़्यादा बड़ा रेडियस कवर कर रहा है, ठीक है, उसका रेडियस कुछ ज़्यादा है। अगर रेडियस कुछ ज़्यादा है लेकिन उसका जो सेंटर है वो सेंटर क्या होगा, सेंटर उसका भी यही होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये इतना इसका रेडियस भले ही कितना भी बड़ा हो लेकिन सेंटर कहाँ होगा, यहाँ। अब अगर मैं सी की बात करूँ तो सी का जो रेडियस है वो काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा रेडियस होगा इसका, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये कुछ इतना बड़ा रेडियस होगा इसका, लेकिन इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसी लाइन पे। इसी की तरह अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी पॉइंट सी से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। डी जब रोटेट करेगा तो उसका रेडियस और भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो सेंटर है वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसको हम बोलते हैं पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ रोटेशन। ए का सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ है, यहाँ। बी का सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ है, यहाँ। सी का सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ है और डी का सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ है। सभी पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ रोटेशन को अगर मैं मिला दूं तो मुझे एक लाइन मिलेगी, मुझे एक लाइन मिलेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। वो इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी। पहले से हम जिसको जिस उसमें घुमा रहे थे उसको हम क्या बोल रहे थे, एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई। अब अर्थ को जरा इमेजिन कीजिए, अर्थ जिस एक्सेस पे घूमती है, अर्थ की शेप कुछ ऐसी है, ऊपर पोल जो पोलर कैप्स हैं उनका साइज बड़ा नहीं है, लेकिन इक्वेटर पे अर्थ बड़ी है। लेकिन इक्वेटर पे आपने अगर पार्टिकल कोई कंसीडर कर लिया और पोल पे जो पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए, पोल पे जो पार्टिकल होगा वो जो रिवॉल्व कर रहा होगा उसका सेंटर ऑफ रोटेशन जिस लाइन में होगा, इक्वेटर पे रिवॉल्व करते हुए पार्टिकल का भी सेंटर ऑफ रोटेशन उसी लाइन में होगा। और उन सभी उन जब सेंटर ऑफ रोटेशंस को जब हम ज्वाइन कर देंगे उसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई, ठीक है। तो समझ देखिए डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर जॉइंट इन अ लाइन, देन दैट लाइन विल बी known as axis of rotation। क्या समझ में आ गई बात, चलिए तो देखिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कुछ पार्टिकल्स हैं, इस बॉडी को आपने ऐसे घुमाया इस तरह से, तो सभी पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, लेकिन रोटेट करते हुए पार्टिकल्स का फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, तो इस वाले पार्टिकल का मैं थोड़ा अलग अलग बना देता हूँ इन पार्टिकल्स को। एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इस वाले पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ रोटेशन मिलेगा दैट विल बी दिस। इस वाले पार्टिकल का सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ, इस वाले पार्टिकल का सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ, इस वाले पार्टिकल का सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ। जब सभी पार्टिकल के सेंटर ऑफ रोटेशंस को मिला दिया जाएगा देन दिस विल बी नोन एज व्हाट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई।
सो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ गया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अलग अलग तरह से डिफाइन की जाती है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन ऑफ रोटेशन इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है वो समझिए जरा। देखिए, इसको मैं एक्सिस से समझाऊंगा आपको। एक्सिस कौन सी? ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आपके तरफ जेड एक्सिस। तो ये जो नोटबुक है, जरा मुझे बताइए ये नोटबुक अभी जो रखी हुई है वो कौन सी एक्सिस में रखी हुई है? अगर इसकी थिकनेस कुछ भी नहीं है, अगर इसकी थिकनेस कुछ भी नहीं है, ये एक पेज है, तो ये कौन सी एक्सिस में रखी है? ये वाई में और एक्स में रखी हुई है। ठीक है, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो देखिए इसकी एक्सिस कौन से उसमें लाए कर रही है, कौन से कोऑर्डिनेट्स में लाए कर रही है? इसकी एक्सिस लाए कर रही है किसमें? इसमें, दिस इज वाई एक्सिस। क्या समझ में आ गई बात? वाई एक्सिस में। लेकिन ये जो रोटेट कर रही है, रोटेशन के बाद वक्त इसके पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो कौन कौन से एक्सिस में बदल रही है, वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स में बदल रही है, वो जरा गौर कीजिए। देखिए, ये पार्टिकल्स की पोजीशन किस किस में बदल रही है? अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है तो इसकी लाइन किस में एक्सिस थी? एक्स में। लेकिन इसकी पोजीशन जो बदल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ था, अब यहाँ से पार्टिकल कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा, यहाँ से आगे पहुँचा। जब ये पार्टिकल आगे पहुँचा तो इसकी जो पोजीशन थी वो जेड के रेस्पेक्ट में बदली, और ये पार्टिकल जो यहाँ था ये जब यहाँ पहुँच गया तो इसकी पोजीशन जेड के रेस्पेक्ट में भी बदली और एक्स के रेस्पेक्ट में भी बदली। क्या समझ में आ गई बात? ये पार्टिकल यहाँ आया, यहाँ से जब यहाँ आया तो इसकी पोजीशन वापस से जेड के रेस्पेक्ट में बदली, और ये जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है तो इसकी एक्स के रेस्पेक्ट में भी बदली। तो इसका मतलब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो वाई में थी, लेकिन ये जो पार्टिकल्स सभी रोटेट कर रहे हैं वो कौन से प्लेन में रोटेट कर रहे हैं? दैट इज एक्स जेड प्लेन। क्या समझ में आ गई बात? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि अब मैं इस नोटबुक को ऐसे घुमाने वाला हूँ, ऐसे घुमाने वाला हूँ, इसका मतलब इसकी एक्सिस किस लाइन में? एक्स एक्सिस में। इसके पार्टिकल्स जो रोटेट हो रहे हैं उनकी पोजीशन किस किस के रेस्पेक्ट में बदल रही है? देखिए, आप ऐसे थी, यहां से यहां लाने में समझना, यहां से यहां लाने में ये कोई पार्टिकल था, ठीक है, यहां पे कोई पार्टिकल बिल्कुल एंड में। अब ये जो पार्टिकल है, जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, तो इसकी पोजीशन जेड में जो थी वो जेड में बदल गई, जेड में जो पोजीशन इसकी यहां थी वो यहां से पीछे की तरफ आ गई, ठीक है, और इसकी पोजीशन वाई में भी बदली है क्योंकि इसकी हाइट चेंज हुई है। क्या समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस थी और प्लेन ऑफ रोटेशन क्या था? वाई एंड जेड। क्या क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन ऑफ रोटेशन ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सो इस चीज को आप लिख लीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड प्लेन ऑफ रोटेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ईच अदर, क्या समझ में आ गई बात? चलिए, अब इसको अलग अलग एक्सिस में बना के देख लेते हैं फटाफट, वही जो अभी आपको समझाया है वही बना के देख लेते हैं। फर्स्ट है, कोई बॉडी इस तरह से रखी हुई है और ये बॉडी है और इसको हम रोटेट कर रहे हैं कैसे? ऐसे। तो प्लेन कैसे बने? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस में एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से पार्टिकल्स की पोजीशन किस किस में चेंज हो रही है? वाई और जेड में। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एंड प्लेन ऑफ रोटेशन एक्स जेड। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, सेकंड ये प्लेन हो गया। अब ये जो बॉडी है वो ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे रखी है, इसकी एक्सिस ये है, और इस बॉडी को आप कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे, इस तरह से नोटबुक को ऐसे घुमा रहे हैं। तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस, और प्लेन ऑफ रोटेशन, रोटेशन वाई जेड। क्या क्लियर हो गई बात? एक और लास्ट, लास्ट कोई भी चीज जो रखी है बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये इसको अगर मैं बनाता हूं तो मैं इसको बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, और इसको मैं घुमाने वाला हूं यू, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन अब कहां है, जेड में, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जेड में है, और बॉडी कहां घूम रही है, एक्स और वाई प्लेन में, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको मैं सिंपली ऐसे दिखाऊंगा, और ये कैसे घूम रही है, ऐसे, सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज जेड एक्सिस, और प्लेन ऑफ रोटेशन एक्स वाई प्लेन। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां आज अपने लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, वो अलग ही टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे इसमें। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, ट्रांस एक बिग पार्टिकल के बारे में पढ़ा, देन ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, देन उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद अलग अलग चीज़ें। क्या समझ में आ गई आपको बात? चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई समझ में तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।